एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कहा जाता है कि नेदरलैंड्स में आए और ट्यूलिप्स नहीं देखे तो क्या देखा, तो आज मैं जा रही हूँ ट्यूलिप्स देखने क्यूकेनहॉफ गार्डन, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है। बिलीव मी और नॉट गाइज, क्यूकेनहॉफ में एवरी ईयर अप्रॉक्स 7 मिलियन ट्यूलिप्स प्लांट होते हैं, तो आज हम वहीं जा रहे हैं उसको देखने। क्यूकेनहॉफ एम्स्टरडैम के पास में है और एवरी ईयर ये एंड ऑफ मार्च से ओपन होता है और मिड ऑफ मे तक खुलता है, तो अभी परफेक्ट टाइम है इसको विजिट करने का। लेट्स चेक इट आउट। एंट्रेंस है ना, यहाँ एंट्रेंस पे हम लोग हैं, तो अभी लेफ्ट से शुरू करते हैं पूरा एक तरीके से, फिर देख के आएंगे। ठीक है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले दूर तक निगाहों में है ट्यूलिप खिले हुए। अभी इतनी देर हो गई है घूमते हुए, कुछ खाते हैं। तो क्यूकेनहॉफ के अंदर ये रेस्टोरेंट है जिसका फूड सिस्टम कुछ अलग था। यहाँ पर बहुत सारे फूड काउंटर्स थे, हमने एक ट्रे ले लिया, हमें जो भी पसंद होगा वो हम उस ट्रे में ले लेंगे। वेजिटेरियन ऑप्शंस में मुझे मोज़रेला चीज़ ब्रेड दिखा और फ्राइज़ दिखा, तो हमने वो ले लिया। मेरे पास मैक्रोनी ऑलरेडी है, मैं घर से लाई थी। फिर जो भी इस ट्रे में है उसको हम बिलिंग काउंटर पर ले जाएंगे और वो बिल हो जाएगा वहाँ पर। वी आर गुड टू गो। I think we had a nice lunch. तो अभी हम लोगों ने खा लिया है और हम लोग आगे निकले हैं घूमने के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा है। क्यूकेनहॉफ सिर्फ इसी वीक के लिए ओपन है, अब बंद होने वाला है। हम लोग एक्चुअली लेट हो गए थोड़ा आने में, तो Thank you.
तो अभी गार्डन तो बहुत घूम लिया, अब मैं आपको कुछ क्यूकेनहॉफ स्पेशल दिखाती हूँ। हर साल क्यूकेनहॉफ में एक फ्लावर एग्जीबिशन टाइप कुछ लगता है। आई डोंट नो इफ एग्जीबिशन इज द राइट वर्ड टू से, बट बेसिकली वो दिखाते हैं कि फ्लावर्स की हेल्प से हम कैसे कैसे डेकोर कर सकते हैं। तो क्या पता आपको भी कुछ फ्लावर डेकोरेशन आइडियाज मिल जाए। Thank you.
अभी यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप्स है, हम अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्यूजिन ऑफ स्पेशल है। लेट्स गो इनसाइड। घर आ चुकी हूँ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है मैं बहुत थकी हुई हूँ, थक चुके हैं। काफ़ी टाइम बाद मैंने एक्चुअली इतना लंबा ट्रैवल किया था, बट बहुत मज़ा आया क्योंकि ना आप घूम कर। मैं फर्स्ट टाइम क्योंकि ना आप गई थी, मैंने काफ़ी लोगों से सुना था बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, और वाकई बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। अगर आप लोग नेदरलैंड्स आ रहे हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, स्पेशली अगर आप लोग मार्च से लेकर मई के बीच में आ रहे हो तो डेफिनेटली जाना। हम लोगों को क्यूकेनॉफ जाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि क्यूकेनॉफ एंड ऑफ मार्च से खुल जाता है और मिड ऑफ मई तक रहता है। तो आज 10th मई है और 15th मई तक ये खुला हुआ है, और हमने देखा कि हम लोग इतना लेट हो चुके थे कि ट्यूलिप्स ऐसे होना चाहिए था आइडियली, बट ट्यूलिप ऐसे था, मतलब अब वो झड़ने वाला था, बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। और हाँ, हम लोगों ने वहाँ से कुछ सोविनियर्स भी लिए जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, तो मैं सोचा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसको खोल लेती हूँ। एक्चुअली मेरी बेडशीट पे भी ट्यूलिप है, तो अभी मैं जाके इसको फ्रिज पे स्टिक करती हूँ। बहुत सुंदर सोवेनियर्स हैं, याद रहेगा कि हम क्यूकेनॉफ गए थे और वहाँ से कुछ लेकर आए। ठीक है, तो लगाते हैं इनको। वेट, दैट्स इट गाइस, मैंने इनको अच्छे से स्टिक कर दिया है, अब मेरे फ्रिज पे चार चांद लग गए हैं। तो ये था मेरा क्यूकेनॉफ का व्लॉग। इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।